कतार होछे बे बौद्ध जिबा आकाश रु जेतु गतकाली एक बेलून खसीतला एवं भयभीत अवस्था रे ग्रामवासी माने रहितले हटात एक बेलून खसीबाकु नै बहु बड प्रश्नवाची सृष्टि होइतला। ए बेलून आसिला केउठु केभली परिस्थिति रे बेलून टी खसीला तुरंत गां लोक माने पुलिस को खबर दिथे एवं पुलिस रे पहुचितले किंतु बेलून टी खसीबा पड़े धीरे धीरे बेलून रो आकार मध्य वृद्धि पाइतला एवं परवर्ती समय पुलिस मध्य तदंत करूतला एवं तदंत रु जहां जणा पडुछि जे बेलून टी एक विज्ञापन होर्डिंग बेलून शाश्वत दास प्रतिनिधि शाश्वत कौन स्पष्ट है बेलून बाबद धान काटा समय जेहेतु धान काटि फेरुले हठात आकाशु गोटे फुटबल टाइप रिंस कि आसी पड़ा बिलरे तापर से लोक देखापी जो ग्रामवासी थे दौड़ जाइए कि हठात से फुलवाक आरंभ करतापर घटना डरी जाए से आसी दूरे जापर स्थानीय पुलिस को सूचना देते पुलिस दमकल बाहन सेठे पहुंची और राति जहाँ रही विलंबित रात्रि पर्यटन सेठे जगी रही है। अंपटे जिते राति होता पवन कमी जाता अंचल से बेलून आस्ते आस्ते तल को खसी आसाला नरमी जापर ताक जहाँ रही जहाँ अग्निशम विभाग पक्षर जहाँ सूचना दि जाऊँच गोटे हुडिंग बेलून होता पारे जेहेतु हिलियम गैस ता भितर रोचे से बाट अतिक्रम करपे यह कला मंदिर नामक जो घर रही मल तार होपे जेहेतु कलाम लेखार अधा लेखा देखा जाणुक से अनुमान करपटे ये दूर किभली आसला आमती छाड़ी दौरान किभली मल मालिक आ ग्रामवासी आतंकित अवस्था रोचे गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि यहाँ गोटे घटना नुहे या पूर्व बलांगीर जिलार जो सान डर गाँव रही सेप्टेम्बर मसर एम एक बेलून पड़ा जहाँ कुठार भयभीत परिस्थित सृष्टि होता जो ग्रामवासी कहतु प्रशासन कहतु नाकेदम होता गोटे प्रकार से भयर वातावरण खेली जाता तेज यही ठीक परिस्थिति बौद्ध जिलार जो चंडीपुर ग्राम काली सृष्टि होता किंतु देख जितेबाला हिलियम गैस टी से बाहरी जाता जो बेलून टी थी सेठू बाहरी जाता से जमापड़ा जीटा गोटे जो आड बेलून बोली जहाँ जमापड़ा कितु ता पूर्व जो भाई परिस्थिति थी गोटे प्रकार ये खबर टी अंचल सारा व्यापी जाता भयर वातावरण गोटे सृष्टि होता किए कत प्रकार कथा कहते किए जो महाकाश रु आसी वस्तुटी छुईवाक प्रशासन भी एभली होता है डरी छुईवाक विशेषज्ञ दल आसवा पर्यंत कथा जाता किंतु भाग्यवशत राति जेहेतु पवन नाला से नरम जहाँ रही सदर थाना पुलिस यह जबत करके तदंत आरंभ कर हुडिंग टी प्रकृत कहार ताकू नहीं तदंत आरंभ कर देखा गले ग्रामवासी बर्तमान सुरक्षित अवस्था रही गायत्री।